आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन के सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन दल को दुर्ग के बीआईटी कॉलेज के सभागार में 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल रहे। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू संचालन के लिए जिले में ईईएम, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, एईओ अकाउंट टीम का गठन किया गया है, जहां गठित टीम दलों को डॉक्टर दिवाकर सिंह राठौर, संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन सहायक नोडल अधिकारी ईएम द्वारा शनिवार को बीआईटी कॉलेज के मैकेनिकल हॉल में 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी के दुबे ने बताया कि प्रथम पाली में सुबह 11 से 1 बजे तक विधानसभा 62 पाटन 63 दुर्ग ग्रामीण 64 दुर्ग शहर एवं 65 भिलाई नगर के दलों को प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरी पाली में 2 से शाम 4 बजे तक विधानसभा 66 वैशाली नगर 67 अहिवारा 68 साजा एवं 69 बेमेतरा के दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज सभी एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी टीमों का प्रशिक्षण हो रहा है एक्सपेंडिचर मॉनिटर के मॉनिटरिंग के संबंध में, कि प्रत्येक कैंडिडेट जो लोकसभा का निर्वाचन में कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेगा उसको 95 लाख रुपए तक चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए व्यय करने का व्यय सीमा निर्धारित है। उसी सीमा के अंतर्गत वो अपना व्यय करे और उसको वो कम ना बताए। इसके लिए जो भी सभा, रैली या फिर रोड शो इत्यादि में जो होर्डिंग्स या बैनर पोस्टर में या किसी के कार्यकर्ताओं के खाने और जलपान इत्यादि में जो कुछ भी व्यय वो करेंगे, वो उसको 95 लाख से एक्चुअल व्यय सीमा से कम ना बता सकें, उसकी मॉनिटरिंग निर्वाचन के द्वारा, निर्वाचन कार्यालय के द्वारा की जाएगी, एफएसटी, एसएसटी और वीएसटी के द्वारा। तो उसी के संबंध में हमारे जो इसमें टीम लगी हुई है वो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो उन्हें किस तरह से कार्रवाई की जानी। अभी ये 2 सत्र में आज हो रहा है, तो अभी प्रथम चरण में तीन तीन चार विधानसभा तीन विधानसभा के टीम के लोग शामिल हैं इसमें, लगभग 250 लोग इसमें अभी होंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।